गाइज वेलकम बैक टू नादर गेम प्ले विद। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले क्रिकेट 24 माय करियर मोड, और ये है हमारा T20 डेब्यूट, इंडियन स्टेट T20 डेब्यूट। पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बोलते हैं या देवधर ट्रॉफी बोलते हैं, नॉट कन्फर्म, तुम लोग बताना क्या बोलते होंगे। ठीक है, T20 स्टेट प्लेट ऐसा दिखाता है यहाँ पे, एंड अपन यहाँ पे भी टू डाउन बैटिंग करेंगे। एंड हाँ, यहाँ पे केदार जाधव वगैरह हैं, और एक बात ये नोटिस करा मैंने, यहाँ पे ऋतुराज कप्तान नहीं है। राइट, सो ये मैच अपना कर्नाटका के अगेंस्ट, तुम्हें याद होगा कर्नाटका के अगेंस्ट ही अपन फाइनल जीते हैं रणजी का, सबसे पहला मैच भी उन्हीं के साथ था। T20 का भी पहला मैच उन्हीं के साथ है। ऋतुराज गायकवाड़ और नईम करके कोई हैं, वो ओपनिंग पर आए हैं, एंड ये इनके सुपर फास्ट बॉलर, 150 तो यूं डालता है भाई ये बंदा। भाई साहब T20 जर्सी में पहली बार, और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में अपन आए हैं बैटिंग के लिए। नईम है बट दो भाई अपन भी गए थे पहली बॉल पे स्टंप से दूर, इजी ब्रो, बहुत तेज डाल रहा है ये बंदा। दो रन पे दो विकेट हो चुके, पहला ही ओवर है। अब यहाँ पे मैं सोच नहीं पा रहा कि मैं तेज खेलूं स्लो खेलूं। ओए एज लगी एंड चौका, ठीक है कहीं से भी आए रन आने चाहिए। चार रन के लिए बाउंड्री से बाहर, एज का चौका, इसके साथ खाता भी खोला है बाउंड्री के साथ, वो भी मेन थिंग। मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा बॉल ना खेलूँ मैं, ओके मतलब डॉट बॉल्स ना खेलूँ ऐसा कह रहा हूँ मैं, बॉल्स तो खेलनी पड़ेंगी ना ज़्यादा। एक रन भाई साहब, हेलो 19-4 हो गई, क्या करना चाहते हो? ये तो मैंने ही करवा दिया केदार जाधव। भाई साहब मेरे को लगा गैप में जा रही है भाई, पांच भाई साहब 6 विकेट डाउन हो चुके। हेलो 4 विकेट ले गया ये, और ये शॉर्ट ही डाल रहा है मेरे को बॉलिंग भाई, औकात में डाल ले यार, यहाँ सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए कि मैंने नहीं सोचा था। ये कौन सा मैच खेल रहा हूँ मैं, T20 है, 5 ओवर का मैच है भाई साहब। भाई अब तो इम्पोर्टेंट हो गया कि मैं टिकूँ, रन बने कितने बने पता नहीं, अब टिकना ज़रूरी है। एक काम करते हैं, स्ट्राइक मैं रखता हूँ, विकेट जा रहे ना भाई सामने से बहुत तेज, अच्छी ड्राइव है, 2 ले लेते हैं। अब 3 भाग जाता हूँ, लेट्स गो। ठीक है, स्ट्राइक भी चेंज एंड एक्स्ट्रा रन्स भी, ठीक है। और राइट, मैं स्पिनर को टारगेट कर सकता हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई आजकल स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन ये हरकत नहीं करनी थी ना, बाहर बॉल डाल दी इसने। हिटमैन का जर्सी नंबर, भाई आग दिया मैंने, लेट खेल गया, चौका प्लीज दे दो। ओके बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स भाई, पावर प्ले चल रहा है, फायदा उठाना जरूरी। शॉट, 4 रन्स के लिए बाउंड्री से बाहर, पहला कॉन्फिडेंस भरा शॉट जो कि 4 रन्स के लिए गया, अच्छा लग रहा है भाई। मेरे को नहीं पता था T20 डेब्यूट पे ही ऐसी सिचुएशन फेस करनी। अब तो 1 मिनट, कुछ मैचेस तो ऑलरेडी हो गए हैं, तो महाराष्ट्र के नीचे है सबसे, इनकी हरकतें देख के तो लग रहा है। ओके पावर प्ले खत्म हो चुका, पावर प्ले में 33 रन पे 6 विकेट हैं, गला आए हैं। पहली बॉल पे 4 रन्स, ओके नाइसली ड्रिवन, 2 रन्स तो इजी हैं, 3 भाग सकता था मैं, रहना तो रिस्क नहीं लेना। एक तो मेरी वजह से विकेट गया भाई, 5वां विकेट जो गया ना केदार जाधव का, वो मेरी वजह से गया। यार टाइम पे टप्पा चेंज हो गया, पता नहीं कितने रन बने, 6 रन्स के लिए बाउंड्री से बाहर, फर्स्ट T26 मैक्सिमम। अच्छा तुम लोग को मैं डिफिकल्टी दिखा दूँ, तुम्हें याद है ना कि T20 टेस्ट और ODI की, मतलब वनडे की अलग डिफिकल्टी बना रखी है मैंने। AI की डिफिकल्टी देख लो तुम लोग, लेजेंड बॉल क्वालिटी 80 बिकॉज ऑफ T20, और बैटिंग की डिफिकल्टी पॉज करके देख लो आराम से, बॉलिंग की डिफिकल्टी भी पॉज करके देख लो, फिजिक्स भी आराम से पॉज करके देख लो, ठीक है। लास्ट बॉल है, सिंगल के लिए ट्राई करते हैं, लेट्स गो। जितना ज़्यादा स्ट्राइक मैं अपने पास रखूँ ना उतना बेटर, क्योंकि मैं रन रेट भी बढ़ा सकता हूँ, मेरे पे कॉन्फिडेंस है। चोपड़ा आए हैं राशिद खान के एक्शन के साथ, इनसाइड आउट बाहर भेज दिया 4 रन्स के लिए। देखो रन रेट तो अभी कवर में आ गया, अभी थोड़ा सा औकात में भी खेल लूँ भाई, बच गया। श
शॉट स्ट्रेट, बच गया थोड़ा सा पहले गिरी और थोड़ी और अच्छी टाइमिंग लगती तो हाथ में जाती थी ये बॉल। ऑलराइट पेसर्स आर बैक। बे नहीं यार इतनी अच्छी टाइमिंग करने किसने बोला। ठीक है शॉट कट और शायद ये चौका चला जाएगा। भाई इतनी ताकत तो थी। छी यार एक ही रन भागा क्या मैं? नहीं दो भाग गया शायद। हाँ दो भाग गया ना। नाइसली ड्रिवन बहुत बढ़िया शॉट ऑफ द डे। चार रन के लिए बाउंड्री से बाहर कवर ड्राइव भाई साहब देखो एक बार ऑन द राइज बहुत बढ़िया शॉट। एक और बढ़िया कट ये भी चौका है। कट लेट्स गो। अभी रिसेंटली दो शॉट जो खेले वो रिस्की भी नहीं थे भाई। ये रिस्क जरूर पहुंच जाऊंगा क्या? पहुंच गया बच गया। ओके नहीं रन गए डॉट बॉल। 10 ओवर होने वाले हैं 60 भी नहीं पहुंचे हम लोग ढंग से। सॉरी 70 भी नहीं पहुंचे। चार रन के लिए बाउंड्री से बाहर ड्राइव स्क्वायर ड्राइव। ये कौन सा अंपायर लगा लिया मैंने? ओह 50 चलो ठीक है डेबिट पे 50 गाइस। और ये इतनी क्रूशियल मोमेंट पर आई है ना मजा आ गया ब्रो इनिंग देख के। 31 बॉल्स 50। एक और कट इतनी बाहर डालोगे तो ये तो तोहफा रहेगा ना ब्रो मेरे लिए। दो रन्स मिल जाएंगे यहाँ पे। 6 रन आ गए इस ओवर में। ओए बच गया ठीक है स्ट्राइक रोटेट। ओके मोस्ट ऑफ दिस जगह रन मान सकते हो। लेग साइड पे नहीं मारा है बस थोड़ा सा। नो बॉल चलो फ्री हिट भाई यार नो बॉल मिस कर गया ना मैं। डालो इनसाइड आउट ही मारूंगा मैं कहीं भी डालो बाउंसर मत डालना बस। शॉट फायदा उठा लिया है ठीक है। थोड़ी सी और ताकत लगती तो 6 जा सकता था। उठा ही लिया है फायदा लगभग समझो। चार रन के लिए बाउंड्री से बाहर। शॉट जैब प्लीज मत पकड़ना। वन बाउंस चौका। उधर रन नहीं आया था ना मार दिया। मेरे को रन रेट भी बूस्ट करने पे ध्यान देना होगा ठीक है। बहुत अच्छी ड्राइव दो रन भाग जाते हैं इजी मिल रहा है। मेरे एंड पे तो फेंकता डेंजर एंड पे तो आउट था। शॉट चार रन के लिए बाउंड्री से बाहर। अब रन रेट भी बूस्ट कर रहा हूँ मैं। एक और बढ़िया ड्राइव थोड़ी सी अर्ली खेल लिया। दो रन यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर अच्छी रनिंग भागा सामने वाले ने तो 3 भी मिल सकते थे। अच्छा मेरी गलती थी ठीक है। ये देखो भाई हरकत देखो मैं यहाँ इनिंग बचा रहा हूँ ये विकेट खो रहे हैं। 7वीं विकेट डाउन। नहीं अब मेरी वजह से कोई विकेट जाए नहीं चाहता मैं। वैसे इतना कुछ होने के बाद भी रन बन रहे हैं भाई अच्छे से। थोड़ा सा डिफेंस इसलिए भी कर रहा हूँ मैं स्टैमिना गेन हो जाएगा अगले ओवर के लिए काम आएगा। इसके स्पेल का वैसे भी लास्ट ओवर है निकाल देते हैं जैसे तैसे। इतना रूखा पीखा तो नहीं जाने दे रहा था मैं। इनसाइड आउट चार रन के लिए बाउंड से बाहर। मिड ऑफ पे ए बच गया। अभी फुल स्टैमिना का फुल निकल जाता। शॉट चार रन बाउंड से बाहर भाई। शॉट 6 रन एकदम ताकत से मारा है बॉल पता ही नहीं कहां गई। अबे यार सिंगल लेने की सोच रहा था मैं। इनिंग का लास्ट ओवर वो भी स्पिनर करेंगे। शुरुआत कर दिया 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। मैं सामने इसलिए इतना दूर खड़ा हूँ क्योंकि अगर ये ऑफ में भी डालेगा ना तो मैं वहां से घसीट के मार दूंगा लेग साइड पर। एक और चौका ब्रो। अबे यार हट भाई साहब तू इतनी अच्छी बॉल डाल दी ना इसने। शॉट 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। 162 पे पहुंच गए हम लोग। लास्ट बॉल है इनिंग्स की लास्ट बॉल। ओह लेट्स गो डेब्यूट पे 100 मार दिया वो भी क्रिटिकल सिचुएशन में। सिचुएशन तुम लोग को पता थी ना क्या है क्या थी भाई? कहां से मैच कहां लेके आया नॉट अलोन मी। अभी तो भागना ही था। खैर लास्ट बॉल पे हक दिया ना मैंने। कोई नहीं हंगार के कर बहुत अच्छा खेला ब्रो।
मैच एक बार देख लें, ऋतुराज गायकवाड़ गोल्डन डक, नफीस भाई गोल्डन डक, जो हमारा कीपर है सिल्वर डक, सिर्फ मेरे और इसी के रन है हंगार के करके, और किसी के नहीं है। ऑलराइट, हम लोग T20 में भी गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं, मैं अपनी फील्ड लगाऊंगा। ओके, ऑफ स्पिन से पैटरसन, इसने तो शतक मारा था ना रणजी में। भाई साहब पहली बॉल पे चौका, नहीं यार रन्स नहीं देने, एक विकेट निकाल दिए इन्होंने। तीसरे ओवर में बॉलिंग दी थी, पावर प्ले में नहीं देना चाहिए थी पहली बात तो, पावर प्ले खत्म होता उसके बाद देते फिर बताता इनको मैं। मारेंगे भाई ये लोग, भाई गैप में नहीं है क्या, नल्ले फील्डर्स हो भाई तुम लोग, यहाँ रन नहीं है पहली बात तो। स्टेप आउट करके एज का चौका भाई, चला जाएगा नहीं, बच गया। ठीक है बाहर डालते हैं बॉल, छह रन, बड़ा ओवर ब्रो, 15 रन दे दिए मैंने अपने पहले ओवर में, अच्छा चौका, 13 रन दे दिया। मैं पावर प्ले में मना कर रहा हूँ तो पावर प्ले में ही दिए जा रहे हो भाई, भाई लेट्स गो। अबे दिखाते तो कम से कम, ठीक है आउट है, अच्छी बात है, पहली विकेट T20 में डेबिट पे अपने को विकेट भी मिल चुकी है। मैं बाहर ही निकालता हूँ बॉल, मिस कराएंगे, आराम से आराम से आराम से, लेट्स गो। लेट्स गो कीपर भाई, एक बार और थैंक यू, फिर भी निकाल दूंगा, मजाक कर रहा हूँ, अब सोच सकता हूँ मैं। क्या रिव्यू, क्लियर तो एज लगी है भाई, एक ही ओवर में दो विकेट्स, नाइस। ओके ठीक है, एक ही रन बट बहुत अच्छा ओवर ब्रो, कहाँ फेंक रहे हो, कीपर पे, ठीक है। ए भाई हार गए हम लोग, 166 मार दिए, ओवर ही नहीं दिया उसके बाद मेरे को, भाई यार इतनी अच्छी इंटरव्यू। अच्छा तुम लोगों ने कमेंट में बताया था कि मैन ऑफ द मैच पे इंटरव्यू भी आ चुका है, यार क्या बदतमीजी है ब्रो। आई थिंक द क्राउड रियली पुश मी टू डू माय बेस्ट, ठीक है ये कैन आई से कोच स्लीप मी, ओके स्लीप, हाँ एकदम सोऊंगा भाई। मैच कौन जीता ये बताओ, मैन ऑफ द मैच तो मैं हूँ, खैर कर्नाटका 6 विकेट से जीत गई ना भाई, किसने मारा, पैटरसन फिर मार गया साला 69 बॉल में 104 रन भाई, इसको मैं देख लूँगा भाई कभी ना कभी तो। भाई देखो तुम लोग खुद बताओ, बॉलिंग में भी बेस्ट परफॉर्मेंस, बैटिंग में भी बेस्ट परफॉर्मेंस, और ये मैच काफ़ी लंबा बन गया तो आज के वीडियो में एक ही मैच करते हैं अपन, बाकी अपन दो दो मैचेस के लिए भी करा करेंगे, ठीक है। क्या बोलूँ मैं, हट मैन ऑफ द मैच तो बन गए, छी यार फिलहाल देख लो, बैटिंग में ये सब बड़ा है, बॉलिंग में ये सब और फील्डिंग में ये सब, और नेक्स्ट मैच अपना केरला के साथ। एक बार सिलेक्शन स्टेटस देख लेता हूँ मैं, गेटिंग इलेक्शन किस, गेटिंग अटेंशन किस में तो भी आया, करीबियन प्रीमियर लीग, मेरे को PSL में देखना दो यार, PSL में खेलना है मेरे को, मज़ा आता उसमें। और पेशावर की तरफ से अगर मिल गया ऑफर तो क्या ही बात है। ए हेलो PSL कहाँ है, हाँ पाकिस्तान से भाई, गेटिंग अटेंशन कितने सालों से, बैटिंग में अपन सेकंड नंबर पे हैं, बॉलिंग में भी थर्ड नंबर पे हैं, अभी तो आए हैं, डोमिनेशन अभी से शुरू हो गई है क्या। चलो गाइस, आई होप से तुम्हें इस वीडियो में मजा आएगा, कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में, अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से बहुत जल्दी एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।